तस्वी के धोला कराता उंदी हो तुझे झारम जराइया ओ बरानी से बुखार झार से झारम जराइया ओ बरानी से बुखार फोटोवे से उतारम तोहरे गरमी हो तेजस्वी कुमार फोटोवे से उतारम तोहरे गरमी हो तेजस्वी कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहां पे अभी पूरे बिहार से आशा कर्मी धरना दे रही हैं सरकार के खिलाफ अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर। पूरे बिहार से जो आशा कर्मी हैं वो धरना दे रही है। देखिए तो भारी संख्या में यहाँ पे आशा कर्मी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँच चुकी है। हम लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, क्या मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग का मानदेय चाहिए और 21,000 तनख्वाह चाहिए, पेंशन चाहिए। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। हम लोग को सरकारी घोषित करे या न घोषित करेंगे तो पेमेंट हम लोग को दे। अगर नहीं करेंगे, सरकार नहीं करती है तो क्या करिएगा आगे? आगे तक हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। हाँ। लेकिन सरकार आप लोगों की बातें नहीं मान रही है। नहीं मान रही है हम लोग का बात। उसके पता नहीं उसका कान तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतना अंधा हो गया। उसका तेजस्वी कुमार बोला था कि 15,000 आशा सबको किया जाएगा, का जानी वो सूत गया है कि मर गया है कि क्या हुआ है, हमको पता नहीं है। हम लोग भूखे प्यासे हड़ताल पर बैठे हुए। हम लोग अब टीकाकरण बंद किए हैं, ओपी भी बंद किए हैं, अब जानते हैं अब लोग इंद्रधनुष भी बंद कर दिए। अब हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, पुतला जलाएंगे, जो मर्जी वो करेंगे। सरकार कह रही है कि डिलीवरी कराने आप लोग जाती हैं तो उस घर वाले से भी पैसा लेती हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं। खुशी से कोई देता है तो चाय पानी तो कराइवे नहीं करता है, पैसा का बात कहा। सोने का जगह न, खूने पानी में हम लोग सोते हैं, उसी के साथ रहते गोरथारी सोकर हम लोग दिन रात गुजार लेते हैं। तेजस्वी यादव बोले थे कि सरकार में आएंगे तो पहले आप लोग का पता नहीं क्यों गद्दी पर बढ़ते बढ़ते उनका देह मोटा गया, देह मोटा गया और हम लोग को भूल गए। आँख खोल कर देखेंगे, हम लोग को डिलीवरी हो गया। हम लोग को डिलीवरी हॉस्पिटल में, हम लोग को डिलीवरी हॉस्पिटल में गया, वहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ से रेफर कर दिया तो हम लोग को क्या पैसा मिला? तीन दिन अगौर कर हम लोग डिलीवरी रखते हैं, वहाँ से रेफर हो जाता है, उस सदर में पार्सल चल जाता है, छपरा चल जाता है, कहीं चल जाए, हम लोग क्या मिलता है? क्या मिलता है वो बताइए, क्या मिलता है? भूखे प्यासे तीन दिन रहते हैं, वो भी आप लोग संघर्ष कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बात नहीं मान रही है। नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, आप लोग क्या वोट दीजिएगा? उतार देंगे हम लोग, पूरे आशा पूरे महिला वोट नहीं देने वाले हैं, वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। नौकरी रहे चाहे ना रहे लेकिन वोट नहीं देंगे। सरकार करेगी हम लोग के खिलाफ प्रदर्शन करेगी तो उन लोग का नौकरी छीन लेंगे। छीन ले तो छीन ले, छीन ले, उससे हम लोग को डरते नहीं है, जो करना है कर ले। वो हमको छीनेगा, हम उनको छीन के गाड़ी से उतार देंगे। कैसे छीनेगा? 1,000 का आबादी में हम लोग काम करते हैं, जो मैं कहेंगे तो मैं करेगी सब। देते हैं हमारे घर से हॉस्पिटल आने में उतना भाड़ा लग जाता है तो हम लोग कमाएंगे क्या? क्या मानदेय है आपको, कितना मानदेय होना चाहिए? 21,000 हम लोग का मानदेय कर दे। 21,000? अभी तो बोल रही थी कि 10,000। 21,000 हमारे सारा जितना है पोषाहार सब ले करके हमारा 21,000 वेतन बनेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए पोषाहार, कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, पेंशन चाहिए, रिटायरमेंट और पेंशन दोनों चाहिए। 21,000 का मानदेय चाहिए, सरकारी घोषित किया जाए हम लोग को, सरकारी घोषित किया जाए। हाँ, सरकारी हम लोग को घोषित किया जाए, प्रोत्साहन राशि बंद करें, हमको मानदेय दे। सरकार सरकारी घोषित नहीं करती है, मानदेय पूरा नहीं करती है, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसा ही हम धरना पर रहेंगे, हड़ताल में रहेंगे और PSC सब बंद रहेगा। केंद्र सरकार से भी कुछ मांगे हैं? राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों से मांग है। केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं? वो दोनों मिल करके ही ना करेंगे मानदेय, सरकारी घोषित करेंगे, सरकारी घोषित करेंगे दोनों मिल करके। तेजस्वी यादव का नाम था कि अगर हम जीत जाएंगे तो आशा को मानदेय जरूर करेंगे, उसका जवान है कि नहीं है, कहाँ कुछ सुन रहा है? अगला वर्ष जीतेगा कभी
भी नहीं जीतेगा। जीतेंगे नीतीश कुमार ऐसा है, अगर वोट नहीं देंगे तो नहीं जीतेगा, एकदम मान कर चलियो नहीं जीतेगा। अच्छा नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, जवान नहीं है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइएगा आगे। बिल्कुल नहीं बनाएंगे, कुछ ही कोई नहीं, सब चोर है, सब चोर, सब चोर है। किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, किसी को नहीं बनाएंगे। जो हम लोग का, जो हम लोग का, जो आप लोग का, तो तेजस्वी यादव भी तो बोलेंगे, बोले थे हम सरकार में आते ही पहले आप लोग का काम करेंगे। जी पहले हम गया जिला से बोल रहे हैं, आशा कार्यकर्ता मेरी मांग पूरा करें, नहीं मेरी मांग पूरा करेंगे तो हम ही उनको मांग नहीं पूरा करेंगे, अब तो उनका वोट देवे नहीं करेंगे। जब हम लोग 18 बरस से हो गया, लेकिन हम लोग के नहीं मांगे पूरा हुआ। अब गीत के माध्यम से कैसे सरकार को ये कर रही थी, गीत गाना सुनाए। अरे तेजस्वी कुमार नीतीश को और स्वास्थ्य मंत्री को कान खोलने के लिए और आँख से देखने के लिए हम गीत गा रहे हैं। परसा प्रखंड से आए हैं, मेरा नाम रंजीता देवी हूँ, लेकिन मेरा बात अगर उसके पास जाएगा लाज सुनेंगे। तेजस्वी के धैलक रताउंदी हो दिन सूजे ना रात, तेजस्वी के धैलक रताउंदी हो दिन सूजे ना रात। झाड़ू से झारम जरैया हो, बरानी से बुखार, झाड़ू से झारम जरैया हो, बरानी से बुखार, फोटोवे से उतारम तोहर गरमी हो। तेजस्वी कुमार बोटवे से उतारम तोर गरमी हो, तेजस्वी कुमार आशा एकता, आशा एकता, जो हमसे टकराएगा हमारी मांगे, हमारी मांगे। तेजस्वी कुमार आप खोलो, तेजस्वी कुमार ये है। आशा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही हैं, और ये लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर गई हैं। और हम लोग कोरोना में घर घर जाकर सब घर में घुस घुस के बैठा है, लेकिन हम लोग कोरोना में इतना काम किए कि घर में हम लोग का परिवार बोल रहा था कि तुम सब भी नहीं निकलो, मर जाएगी, फिर भी हम लोग कोरोना में काम किए। लेकिन नीतीश कुमार के कुछ नहीं जन आ रहा है, नीतीश कुमार तो मंदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री से हमको यही कहना है कि हम लोग के मानदे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम लोग के मानदे चाहिए। संघर्ष कर रही है अपने मांगों को लेकर सरकार अपनी बात करेंगे, हम तो निश्चित हड़ताल करेंगे, 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, जब भी बुलाते हैं तभी हम लोग हाजिर। सरकार आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि घर पे जाती है, किसी के घर पे डिलीवरी कराने जाती है तो उसके घर वाले से ही पैसा लेती है। नहीं, झूठ झूठ झूठ, कोई किसी का 50 रुपया हुआ तो दिया ना, किसी को नहीं हुआ तो भी नहीं। मानदेय कितना होना चाहिए? कम से कम 10
10,000 रुपया ये तो बोल रही 10,000 नहीं 21,000 का एक पैसा नहीं 21,000 नहीं 21,000 सौ राशि देगा था 10,000 अपसहन राशि। तो ये थे आशा कर्मी, ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। आज पटना के गर्दनी बाग पे धरना स्थल पे ये लोग भारी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पटना के गर्दनी बाग में आशा कर्मी है जो पूरे बिहार से चल कर आई हैं, यहाँ पे भारी संख्या में आंदोलन पर उतर चुकी हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, अगर हमारी मानदेय को नहीं करती है, मानदेय नहीं बढ़ाती है, तो हम लोग सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद ऐसे तमाम खबर को जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।